वाराणसी में अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेनानंद सरस्वती ने पत्रकार वार्ता की। उन्होंने संबोधन करते हुए कहा कि सनातन धर्म और संस्कृति के संरक्षण के लिए संस्कृति सदन का आयोजन किया जा रहा है। सनातन उन्मूलन की चुनौती देने वालों को यह संसद समुचित उत्तर देगा। देश के 400 जिलों में 127 संप्रदायों के साधु संतों का 4 दिनों के लिए काशी में जुटान होगा। वही गंगा महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री गोविंद शर्मा ने कहा कि 2 नवंबर को 3 संकल्पों के साथ 250 महामंडलेश्वर के द्वारा श्री काशी विश्वनाथ का रुद्राभिषेक किया जाएगा। साथ ही कहा कि अयोध्या में बलिदान हुए ज्ञात अज्ञात सभी लोगों की आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो, राष्ट्र की एकता और अखंडता अक्षुण रहे और सनातन सापेक्ष सरकार की अगले आम चुनाव में वापसी हो। मैं प्रोफेसर विनय कुमार पांडे, संगठन मंत्री श्री काशी विद्युत परिषद। किस तरह का कार्यक्रम होने वाला है, कब होने वाला है, कौन कौन से? देखिए ये एक सेकंड इसको रोल कर दीजिए इनसे। गोविंद शर्मा, संगठन महामंत्री गंगा महासभा। किस तरह का कार्यक्रम होने वाला है, कहाँ पे होने वाला है, कौन कौन होगा? काशी भारत की सांस्कृतिक राजधानी है और भारतीय संस्कृति के प्रति श्रद्धा रखने वाले हर एक व्यक्ति की आस्था और श्रद्धा काशी के प्रति है। तो संस्कृति को लेकर के जो आज प्रश्न खड़े हो रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियों तक सांस्कृतिक मूल्यों का स्थानांतरण किस प्रकार से हो और सनातन उन्मूलन सहित जो आज चुनौतियां दी जा रही हैं, वैसे में हिंदू समाज का क्या कर्तव्य होना चाहिए, इन चुनौतियों का किस प्रकार से उत्तर देना है, इन बातों पर विचार करने के लिए देश भर के सारे संत काशी पधार रहे हैं। सनातन के प्रत्येक संप्रदाय का यहाँ पर प्रतिनिधित्व होने वाला है। जी, मेरा नाम सिद्धार्थ सिंह है और इस सांस्कृतिक संसद का मैं सचिव हूँ। किस तरह से सांस्कृतिक संसद में युवाओं को आप जोड़ने वाले हैं, कितने युवा आने वाले हैं और युवाओं के प्रति क्या कुछ रहेगी इसका? युवाओं के प्रति यही रहेगी कि हमने जो काफ़ी सालों से ध्यान दिया है ज्ञान के प्रति, सनातन धर्म के ज्ञान के प्रति, कि बहुत मिस इन्फॉर्मेशन है, गलत ज्ञान दिया जा रहा है और जहाँ ज्ञान दिया जा रहा है वहाँ पूरा ज्ञान नहीं दिया जा रहा। तो हमारी सनातन धर्म के सांस्कृतिक संसद से ये कोशिश रहेगी कि युवा जो हैं उनको सही ज्ञान मिले, सही रास्ता मिले सनातन धर्म के प्रति, कुछ जो उनकी इच्छा है, जो वो करना चाहते हैं